हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास चालू करते हैं। गुड इवनिंग दोस्तों। दोस्तों गुड इवनिंग। तो बताएं, सब कुछ सेटिंग बराबर है? सब कुछ सही है? तो मैं आगे बढ़ता हूं और आज मैं आपके सामने तीन टॉपिक्स लेके आया हूं। इन फुल स्विंग, ऑन द वर्ड्स ऑफ और बाय ऑल मींस। ये छोटा सा टॉपिक है। सैटरडे है और मैं आज कहीं जाने वाला था, लेकिन मुझे लगा एक छोटा सा टॉपिक ले लेना चाहिए ताकि हम लोग का रिदम ना टूटे, हम लोग की कंटिन्यूटी बरकरार रहे। इस वजह से मैं आ गया। गुड इवनिंग साधना, कैसे हैं आप? बहुत सही साधना, थैंक यू वेरी मच। हाउ आर यू? वेरी नाइस। तो चालू करें आज की क्लास। बहुत छोटी सी क्लास है। ऑन द वर्ज ऑफ के कगार पर, के कगार पर जस्ट करीब, जैसे तुम मौत की कगार पर हो। वो रोने की कगार पर था, वो गिरने की कगार पर था, वो मरने की कगार पर था। जब ऐसा यूज करना तब हम यू लेंगे ऑन द वर्ज ऑफ। उसके बाद है इन फुल स्विंग, पूरे जोरों पर, जोर शोर से, पूरे शबाब पर। जो बारिश में नदी नाले जो होते हैं वो पूरे जोरों पर होते हैं। नदी नाले एकदम भरे रहते हैं, बिल्कुल जोरों पर रहता है कि नहीं? और ठंड पूरे जोरों पर थी अभी कुछ महीने पहले, कुछ समय पहले। तब जोरों पर बोलने के लिए हमको बोलना पड़ेगा इन फुल स्विंग। उसके बाद बाय ऑल मीन्स, इसका मतलब निसंदेह, बेशक, हर प्रकार से, बिल्कुल। कई बार हम कहते हैं बिल्कुल, निश्चित रूप से, सर्टेनली, अनडाउटेडली, ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। उसकी जगह पर हम लोग बाय ऑल मीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हर प्रकार से अगर हमें बोलना है तब हम लोग बाय ऑल मीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये तीन फ्रेजेस हैं, छोटे से फ्रेजेस हैं, स्पीकिंग में जनरली काम आते हैं। तो समझते हैं कि हम लोग इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। ओके, वेरी नाइस। द फ्रेज लेट अलोन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ लेट इट बी। हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं। वेरी गुड इवनिंग। ऑन द वर्ज ऑफ डिफीट, नहीं, अगर ऑन द वर्ज ऑफ के बाद अगर कोई वर्ब आ रहा है तो आपको वर्ब में आएंगे लगाना है। ऑन द वर्ज ऑफ के बाद कोई वर्ब आएगा तो वर्ब में आएंगे लगाना है, ध्यान देना आपको। हाँ सर, मेरा भाई भी ज्वाइन है। ओ वेरी नाइस। क्या नाम है आपके भाई का? वेरी नाइस साधना, आपके भाई का नाम बता दो। कौन है? अंशुमान साकिया, गुड इवनिंग भाई। कौन है? संतोष पवार तो नहीं है? गुड इवनिंग, बता दीजिए आपका भाई कौन है। वह आंसुओं की कगार पर थी, जस्ट रोने वाली थी, जस्ट रोने वाली थी, रोने के करीब थी। तो ये ना बोलते हुए हमने बोला कि शी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स। शी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स, अगर वर्ब आएगा तो हम लोग वर्ब में आएंगे लगाएंगे। शी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ, शी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग। वर्ब आएगा तो वर्ब में आएंगे आएगा। शी वॉज, ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। डेथ, लेकिन डाई बोलेंगे तो आपको वर्ब में एंगे लगाना पड़ेगा क्योंकि डाई वर्ब है। ही वाज ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग, ऐसा आना चाहिए। ओ संतोष, संतोष वेरी नाइस, आपका स्वागत है संतोष। दिसंबर में सर्दी पूरे जोरों पर रहती है। दिसंबर में, मैं अपने इंडिया की बात कर रहा हूँ, हमारे इंडिया में दिसंबर जनवरी में जो ठंड होती है बहुत जोरों पर रहती है, बहुत कड़ाके की रहती है, पूरे अपने शबाब पर रहती है। तो इन दिसंबर द विंटर इज इन फुल स्विंग। ओके, द विंटर इज इन फुल स्विंग का इस्तेमाल करेंगे। ओके उसके बाद मैं उसे हर तरीके से मना चुका हूं। तो बाय ऑल मींस का मतलब हर तरीके से भी होता है, सर्टेनली भी होता है, या फिर निश्चित रूप से भी होता है, ऑफ कोर्स भी होता है। ये ध्यान देना, यहां पर मैंने लिखा है हर तरीके से। आई हैव परसुएडेड हर बाय ऑल मींस। आई हैव परसुएडेड हर बाय ऑल मींस का हम लोग ने यहां पर इस्तेमाल किया है। ओके अब मैं इसकी कुछ सेंटेंस लेता हूं। दोस्तों टॉपिक बहुत छोटा सा है क्योंकि मुझे कहीं जाना था, सैटरडे है, क्योंकि बाकी मेरे जो फ्रेंड है, मेरे स्टूडेंट है, वो पार्टी मनाते रहते हैं। तो मैं पार्टी वार्टी मनाने नहीं जा रहा, बस मैं अपने दोस्तों के पास जाऊंगा थोड़ी देर के लिए, हंसी मजाक करेंगे क्योंकि कल संडे है। तो इस वजह से आज मैं जाने का प्लान कर रहा था, लेकिन मुझे लगा मेरे व्यूवर मेरा इंतजार कर रहे हैं बहुत समय से, इसलिए मैं आपको निराश नहीं करना चाह रहा था। ओके, तकरार के बाद अल्टरकेशन कहेंगे, तकरार को ध्यान देंगे, तकरार के बाद इसको हम लोग अल्टरकेशन कहेंगे। ओके तकरार के बाद वे तलाक के कगार पर थे। तकरार को हम लोग अल्टरकेशन कहेंगे, तकरार, अल्टरकेशन। चलो बताओ। ओ हेलो फैज, फैज बहुत बढ़िया। हेलो आई एम, अरे गुड नाइट कैसे हुआ यार? अभी तो तुम आए, गुड इवनिंग बोलो फैज, गुड इवनिंग बोला करो, जाते समय गुड नाइट कहते हैं। कौन? अरे भैया मेरे दोस्त है यार, देव, माई फ्रेंड देव, डोंट टेक अदरवाइज। यस वेरी नाइस, फाइव पीपल आर वॉचिंग यार देव थापा। आजकल दिनों दिन लोग कम होते जा रहे हैं यार,
मैं ये क्लास कोई बंद करने का मन होता है कभी कभी, लेकिन मेरे दोस्त की वजह से मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। मेरे जो फ्रेंड है मेरा इंतजार करते हैं, फिर हम लोग व्हाट्सएप में चैटिंग क्या करेंगे। अब मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड करने की सोच रहा हूँ, मैं निराश हो जाता हूँ। आई गेट डिसअपॉइंटेड जब मुझे ज्यादा व्यूवर नहीं दिखते ना, आई गेट डिसअपॉइंटेड। देवर ऑन द वर्ज ऑफ डिवोर्स आफ्टर अल्टरकेशन, बिल्कुल सही है। रियली यार आई गेट डिसअपॉइंटेड व्हेन आई डोंट सी मोर स्टूडेंट्स। देवर ऑन द वर्ज ऑफ डिवोर्स आफ्टर एन अल्टरकेशन, बिल्कुल सही है अनीता जी। यार कुछ स्टूडेंट नजर भी आना चाहिए ना यार, क्या मैं इतनी मेहनत करके मैं लाता हूँ, अपना समय देता हूँ आप लोग को। खैर आप लोग जो आ रहे हो तो सही है। आई गेट डिसअपॉइंटेड देवर ऑन द वर्ड ऑफ डिवोर्स, ये होना चाहिए ना। निराशा लगती है मुझे जब बच्चे कम दिखते हैं। तो आफ्टर अल्टरकेशन देवर ऑन द वर्ज ऑफ डिवोर्स, आफ्टर अल्टरकेशन देवर ऑन द वर्ज ऑफ डिवोर्स हमको ऐसा इस्तेमाल करना है। अब हम लोग आ जाते हैं नंबर दो में। कृपया मध्य रात्रि तक रुके, मिड नाइट तक रुके, कृपया प्लीज मिड नाइट तक रुके। पार्टी पूरे जोरों पर रहेगी, पार्टी इन फुल स्विंग रहेगी, बताइए। ओके हाउ टू से, कृपया मध्य रात्रि प्लीज मिडनाइट तक रुके, पार्टी पूरे जोरों पर होगी। मुझे कभी कभी इंग्लिश यूज करना पड़ता है, कुछ डिफरेंट वर्ड यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि मेरा हर टाइप के व्यूवर आते हैं जो सब हिंदी बोल नहीं पाते हैं। प्लीज वेट टिल मिडनाइट, स्टे भी कर सकते हैं, स्टे दामोदर स्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं। पार्टी विल बी ऑन फुल स्विंग, पार्टी विल बी इन फुल स्विंग, वेरी नाइस। प्लीज वेट क्यों लिख रहे हो यार, स्टे लगा सकते हो ना। देव भैया मेरे दो छोटे भाई दामोदर एंड देव, प्लीज स्टे टिल मिडनाइट, द पार्टी विल बी इन फुल स्विंग। प्लीज स्टे टिल मिडनाइट, द पार्टी विल बी इन फुल स्विंग। हेलो, चलिए मैं बता देता हूं। प्लीज स्टे टिल मिडनाइट, द पार्टी विल बी इन फुल स्विंग, इन फुल स्विंग, पूरे जोरों पर, पूरे जोर शोर से मनाएंगे, बहुत उसमें हलचल मचेगी, मजा आ जाएगा दामोदर। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। नंबर तीन में आ जाइए। मैं किसी भी मरने वाले को बचाने के लिए हर तरीके से कोशिश करूंगा, बाय ऑल मीन्स। मैं किसी भी मरने वाले को बचाने के लिए हर तरीके से कोशिश करूंगा, फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल करना है। ओके बताइए, कैसे बोलें। ठीक इंतजार करना बहुत भारी पड़ता है भाई। कमरान हटा क्यों दिया आपने, कमरान वाई यू डिलीटेड। ओके ठीक आई विल ट्राई टू सेव ऑल द डायर्स, नहीं बोलते यार, डाइंग पर्सन, डाइंग पीपल, डाइंग पर्सन का यूज करेंगे, बाय ऑल मीन्स। डाइंग पीपल, डाइंग पर्सन का इस्तेमाल कर सकते हैं, एनी डाइंग पर्सन। ओके ओके हाँ, वही मैं बोला कि आपने डिलीट क्यों कर दिया। नहीं चलिए ठीक है, मैं बता देता हूं। आई विल ट्राई बाय ऑल मीन्स, आप लोग लास्ट में लगा सकते हैं, मैंने इस बार इसको यहां लगाया, एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है। आई विल ट्राई बाय ऑल मीन्स,
सेव एनी हु डाइज, हाँ ये भी चलेगा, आई विल ट्राई बाय ऑल मीन्स टू सेव एनी डाइंग पर्सन, है ना, आई विल ट्राई एनी डाइंग पर्सन आना चाहिए, मैंने वर्ब का इस्तेमाल किया नहीं था, बाकी आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं है, वो भी चलेगा दामोदर, एनी डाइंग पर्सन, मैं वर्ब का इस्तेमाल करता हूं, DYING PERSON, ओके, आई विल ट्राई बाय ऑल मीन्स टू सेव एनी डाइंग पर्सन, ओके ठीक है, चलिए आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सेव डाइंग पर्सन बाय ऑल मीन्स, हाँ ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, माई बेस्ट लगा के आपने उसको ज्यादा और ज्यादा अच्छा बना दिया, ठीक है। नंबर फोर में आ जाते हैं हम लोग, बेशक, इसको देखो बाय हर तरीके से या फिर बेशक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बेशक या फिर सर्टेनली, डेफिनेटली, ये भी इसका ऑफ कोर्स ये भी सेंस में आता है, बेशक या फिर हर तरह से मुझे अपने बीमार दोस्त का ध्यान रखना चाहिए, टेक केयर ऑफ, चलो बताओ यहां पर भी बाय ऑल मीन्स आएगा, बाय ऑल मीन्स बताइए, बाय ऑल मीन्स का हम लोग यूज कर सकते हैं, कैरी ऑन, ठीक है, चलिए बाय ऑल मीन्स आई शुड टेक केयर ऑफ माई सिक फ्रेंड, बाय ऑल मीन्स यहां पर शुरू में आना चाहिए देव, क्योंकि हम लोग बेशक के सेंस में आ रहा है, बाय ऑल मीन्स आई शुड टेक केयर ऑफ माई सिक फ्रेंड बाय ऑल मीन्स, चलो ठीक है, बाय ऑल मीन्स आई शुड टेक केयर ऑफ माई सिक फ्रेंड्स, ठीक है, चलिए देखिए, बाय ऑल मीन्स इस बार बेशक के सेंस में आ रहा है, अनडाउटेडली के सेंस में आ रहा है, सर्टेनली के सेंस में आ रहा है, डेफिनेटली के सेंस में आ रहा है, बाय ऑल मीन्स ऑफ कोर्स सर्टेनली डेफिनेटली अनडाउटेडली आई मस्ट टेक केयर ऑफ माई सिक फ्रेंड, आई मस्ट आई शुड आई ऑट टू, मस्ट में ज्यादा जोर हो गया, प्रिसाइज हो गया, कंपल्सरी हो गया, तो आप शुड भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए, बाय ऑल मीन्स आई शुड टेक केयर ऑफ माई सिक फ्रेंड, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, वेरी नाइस। तो ये चार सेंटेंस लिए थे बस मैंने, ओनली फोर सेंटेंस, चार सेंटेंस लिए थे, और मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था थोड़ा सा, हाँ यार क्या बताऊं, ले लीजिए, तो दोस्तों दिनों दिन स्टूडेंट्स डेफिनेटली बाय ऑल मीन्स आई शुड टेक केयर ऑफ माय फ्रेंड द्विवेदी, बहुत बढ़िया, एस के द्विवेदी बहुत लेट आए, कोई दिक्कत नहीं है, देर आए दुरुस्त आए, समय पर आ गए आप, तो ये आज के हमारे चार सेंटेंसेस ले, तीन टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन स्टूडेंट दिनों दिन कम हो रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आई डोंट फील गुड, देखो ग्रामर विद विश्रुप भी आ रहे हैं, तो मैं क्यों ना मैं वीडियो अपलोड करूंगा, मैं सोच रहा हूँ कि अब इसमें भी वीडियो अपलोड करने का सोच रहा हूँ, मैं ऑनलाइन क्लास कुछ समय के लिए बंद कर देते हैं, क्योंकि आप लोग आते नहीं है, मजा नहीं आता, मैं देखो 1-1.5 घंटा मुझे तैयारी करने में लग जाता है, आधा घंटा आपकी क्लास लेता हूँ, तो 2 घंटा ऑलमोस्ट मैं आपको देता हूँ, मैं जब यहाँ देखता हूँ कि 5 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है, तो आई डोंट फील गुड, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना इसमें वीडियो अपलोड किया जाए, खाली 10 मिनट्स का, 12 मिनट्स का, छोटे छोटे वीडियो, क्योंकि मुझे व्यू उतने ही मिलते हैं, इस वजह से मेरा ऐसा विचार चल रहा था, फिलहाल अभी चलने देते हैं, देखते हैं ये मेरा दिमाग में विचार आ रहा है, आप मुझे सजेशन दीजिएगा, ओके नाउ 13 स्टूडेंट्स, हाँ यार अभी 13 स्टूडेंट्स आ रहे, तो वही मैं सोच रहा था कि इसमें वीडियो अपलोड किया जाए, ऑनलाइन क्लास को हफ्ते में एक बार कर दिया जाए बस, आई थिंक सो, आप मुझे प्लीज सजेशन दीजिएगा, वीडियो अपलोड ऑलमोस्ट डेली करूंगा। तो आज का टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया ऑन द वर्ज ऑफ, की कगार पर, जस्ट नियर, कोई काम जस्ट होने वाला रहता तो हम लोग कहते हैं ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, मौत की कगार पर, ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स, आंसू की कगार पर, जस्ट रोने वाली थी, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया इन फुल स्विंग, कोई काम एकदम जोरों पर रहता है, नदी नाले जो रहते हैं बारिश के समय में वो जोरों पर रहते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे से बहते हैं, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया, मैंने क्या पढ़ाया, बाय ऑल मीन्स पढ़ाया, बाय ऑल मीन्स का मतलब होता है हर तरीके से या फिर अनडाउटेडली, निसंदेह, बेशक, ऑफ कोर्स इस सेंस में आता है, या फिर हर तरीके से मैं अपने दोस्त को मना चुका हूँ, मैं हर तरीके से कोशिश कर चुका हूँ कि आप लोग मेरी ऑनलाइन क्लास में आए आए आए,
लेकिन क्या है कि सारे लोग आ नहीं पाते, कुछ ना कुछ काम आ जाता है। लेकिन मुझे तो आना ही पड़ेगा ना 9 बजे, मैंने आपको समय दे रखा है। यस, मैं कभी कभी अपना इंपॉर्टेंट काम भी छोड़ देता हूँ। बाय ऑल मीन्स आई ट्राई माई बेस्ट टू कम ऑनलाइन, बट आई सी नो पीपल आर देयर। ऑनलाइन क्लास इज सोल ऑफ आवर चैनल सर, डोंट सिट। मैं समझ सकता हूँ यार देव दामोदर भाई, लेकिन लोग यार आते नहीं तो यार बुरा लगता है भाई। हम लोग क्या 2 ढाई घंटे इसको मैं देता हूँ, मेहनत करता हूँ, टॉपिक निकालता हूँ, छांट छांट के टॉपिक ले आता हूँ, और आधा घंटा इसमें देता हूँ, फिर देखता हूँ कोई आ नहीं रहा है, तो बड़ा निराशा होती है। आई गेट डिसअपॉइंटेड व्हेन आई सी नो पीपल आर देयर, कोई है नहीं। तो सर ट्राई टू इंक्लूड फ्रेजेस लाइक इन रियल टर्म, इन रियल सेंस इन योर वीडियो, दे डू नॉट मेक सेंस हाउ टू यूज सर। अल्टरकेशन मेक वीडियो, प्रणाम सर। अल्टरकेशन क्या बोलना चाह रहे हैं? अल्टरकेशन ठीक है, चलो देखते हैं। अभी मेरी फिलहाल मैं फ्री हूँ, मेरी जब ऑफलाइन क्लास चालू हो जाएगी तब मैं देखूंगा क्या करना है ना, क्योंकि आई एम ए ह्यूमन बींग, आई एम नॉट ए सेंट एंड गॉड। यस, मुझे भी कुछ करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आई हैव ऑल्सो फीलिंग्स एंड गुड फीलिंग्स एंड बैड फीलिंग्स, बोथ द फीलिंग्स आई एम हैविंग। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई एग्री, आई एम न्यू हियर। ओके, हाय देयर, आप न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और बहुत सारे को शेयर करें अपने दोस्तों को। तो हाँ सर, यू आर राइट, व्यूअर्स आर नॉट इनफ, बट आई एम बैक सर। हाँ यार, वही तो बात है, अभी फिलहाल बंद नहीं कर रहा हूँ। मैं आप लोग से इतना हार्ट से जुड़ा हुआ हूँ, बिल्कुल दिली तौर से जुड़ा हुआ हूँ, बिल्कुल दिल से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। यू आर एन एंजिल। ओ यार, आप मैं एंजिल इतना बड़ा मत बनाओ यार भैया। कंसिडर ऑल सर बिफोर टेक डिसीजन। हाँ, मैं सबको कंसिडर करूंगा, मैं बंद नहीं कर रहा। मेरे दिमाग में विचार आ रहा है दामोदर, विचार आ रहा है कि इतनी मेहनत करने के बाद जब मैं देखता हूँ 5 व्यूवर हैं, 10 व्यूवर हैं, तो थोड़ा सा निराशा होती है। मेरे 13,000 सब्सक्रिप्शन में से, 13,000 सब्सक्रिप्शन में से केवल 10 पीपल आ रहे हैं, यानी 0.1% आ रहे हैं। यार निराशा तो होगी यार भाई, आप खुद सोचो। आप यू जस्ट पुट योर सेल्फ इन माई प्लेस, 13,000 सब्सक्रिप्शन यू हैव, और पता लग रहा है कि ऑनलाइन क्लास में ओनली 5 पीपल आर कमिंग। फाइव फाइव पीपल मीन्स आप लगाओ अंदाजा कितने परसेंट होते हैं। लेट्स टॉक फनी। हाँ, लगता है मुझे फन करना पड़ेगा, गाना सुनाना पड़ेगा, डांस करना पड़ेगा, मुझे कुछ जोक सुनाने पड़ेंगे ताकि आप लोग रहें, मजा आए आप लोग को। क्यों देखो, यही कहना चाहते हो ना? सो स्वीट ऑफ यू सर, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स अस, लव यू सर, थैंक यू वेरी मच। वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू एज ए टीचर। अनीता जी, ये सारी बातें बहुत अच्छी, मुझे बहुत खुशी होती है, इसी वजह से तब तक टिका हुआ हूँ। लेकिन जब स्टूडेंट कम दिखते ना, अच्छा नहीं लगता मुझे। आई गेट डिप्रेस्ड, आई गेट फ्रस्ट्रेटेड। या देवथापा भाई, काश मेरे साथ एक कोई एक बंदा होता, वो बीच बीच में गाना वाना सुनाता रहता आपको। जैसे आपने देखा होगा एंकरिंग करते समय एक एक बॉय रहता है, एक गर्ल रहती है ना। मुझे भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा लगता है, मेरे व्यूवर्स को बढ़ाने के लिए। ठीक है, करते हैं कोशिश, कुछ करते हैं। जस्ट विचार आया और मैंने आपके सामने रख दिया, क्योंकि आपको मैं अपना दोस्त मानता हूँ। आई कंसिडर यू माई फ्रेंड्स, यू आर कनेक्टेड विथ मी हार्टली, इसलिए मैंने आपसे कहा। ओके चलो, दामोदर को मुर्गी बनाओ। अरे बनाने से कुछ नहीं होगा यार, आई एम हाउस वाइफ सो आई एम हेल्पलेस। किस बारे में? हाँ, आप हाउस वाइफ, आप हेल्पलेस, आप लोगों को शेयर नहीं कर सकते। नहीं सर, हम रोज रोज ज्वाइन होंगी साधना। ओके, भूखा हूँ सर। ओके थैंक यू यार, इसी प्यार ने तो मुझे रोक के रखा है यार, आपके प्यार ने, आपके लव ने, आपके अटैचमेंट ने, आपके रेस्पेक्ट ने मुझे अब तक बांध के रखा है कि नहीं मुझे जाना है, कितने ही लोग आए मैं जाऊंगा, और अब तक हूं मैं, देखते हैं और कब तक रहता हूँ। पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू अटेंड फ्री क्लास, पैथेटिक सर। हाँ, ये वाली बात मैं समझ नहीं पाता हूँ, ये बड़ा बुरा लगता है यार। योर आर्ट ऑफ टीचिंग इज सुपर्ब, आई हैव बीन वॉचिंग योर वीडियो फ्रॉम सम डेज फ्रॉम कश्मीर। ओ वेरी नाइस, कश्मीर से आप, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलो दोस्तों, अभी तो आ रहा हूं मैं, अभी ऐसा बंद बंद कर नहीं रहा हूँ। आपका प्यार बना रहे, सपोर्ट बना रहे, लोगों को सपोर्ट करें, अधिक से अधिक लोग को करें यार। कम से कम मुझे लगे 50-60 लोग देखे तो मुझे लगे यार खुशी होगी, यार मैंने मेहनत किया उसका फायदा मिल रहा है। आउटसाइड स्पोकन पीपल क्लास इज 7K to 10K, आई नो इट।
ऑफलाइन क्लास की जो फीस होती है इतनी ज्यादा होती है। मेरी खुद की फीस जो है ना पर मंथ 1200 रुपी पर मंथ है मेरी। आई टेक 1200 रुपी पर मंथ फी या, और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। तो भी स्टूडेंट सीरियस नहीं रहते भाई, क्या बताएं। आई विल हेल्प सर। सर डोंट गो, नहीं जा नहीं रहा यार, देव जा नहीं रहा हूं। मेरे मन में विचार आए कि इस वजह से मैं डिप्रेस हो जाता हूँ, कम स्टूडेंट्स कम व्यूअर की वजह से मैं डिसअपॉइंटेड हो जाता हूँ। तो ये मैंने अपनी बात रखी आपके सामने, यार आपके सामने नहीं रखूंगा कहाँ रखूंगा भाई, तुम मेरे दोस्त हो ना सभी लोग, इस वजह से। ओके लेट मी शेयर अ जोक विथ यू सर। सन मामा वाई पापा डज नॉट हैव हेयर, मामा सन हु हैव हेयर आर लायर्स, सन मामा देन यू हैव हेयर। अरे भाई कह रहा हूं भाई, ऐसा कभी कभी कर सकते, रोज नहीं कर सकते ना हम लोग जो क्रेक, कभी कभी कर सकते, रोज नहीं कर सकते। हाँ बहुत बहुत थैंक यू कमरान कमरान कमरान, आप लोग बड़े परेशान हो रहे हैं, मैं नहीं जा रहा यार, नहीं जा रहा। आप लोग रोगे तो अच्छा नहीं है, मैं नहीं जा रहा, आई एम नॉट गोइंग। देव थापा शुड थिंक एंड हेल्प टू गेट मोर व्यूअर्स। वेरी पैथेटिक पोजिशन है यार भाई, क्या करें। हाँ आई एम वेरी वरीड, मैं जा नहीं रहा यार भाई, जा नहीं रहा, लेकिन मन में विचार जो आते हैं वो तो तुम्हें शेयर करना पड़ेगा ना। चलो फिलहाल आज तो मुझे जाने दो, आज का दिन सैटरडे है, मेरे जाने दो, और मिलते हैं और मंडे को एक नए टॉपिक के साथ। यार कमेंट सेक्शन में भी कुछ हलचल होनी चाहिए ना, कमेंट सेक्शन में। कमेंट से मैं आपको इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर रहा, आप ये मत सोचना कि मैं आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में कुछ हलचल होनी चाहिए। पहले कितनी हलचल हुआ करती थी, लोग कमेंट क्या करते थे, क्वेश्चन करते थे, बोलते थे इसका वीडियो बनाओ वो बनाओ। आजकल कुछ भी नहीं हो रहा है, इसलिए थोड़ी निराशा हो जाती है बस, और कुछ नहीं है। आई गेट लिटिल डिसअपॉइंटेड। चलो बाय। थापा ऑलवेज इन पार्टी मूड रेदर देन ट्राई टू इंक्रीज व्यूअर्स। टुमारो संडे आई विल मीट यू ऑन मंडे, मंडे को आऊंगा। बाय गुड नाइट। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, और थोड़ा सा मेरा भी ध्यान रख लीजिए ताकि हम लोग की व्यूवर बढ़े और कुछ मैं मेरा थोड़ा सा मजा आ जाए मुझे। बाय, थैंक यू, बाय, थैंक यू एवरीवन। अनीता जी धन्यवाद, गुड नाइट।